हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी हम लोग हैं दिल्ली में और अभी हम लोग जा रहे हैं दीदी के घर। आज 8 तारीख को दीदी का मेहंदी है और हल्दी भी है। सुबह सुबह तो हल्दी है, तो अभी हल्दी का फंक्शन शायद से चल रहा होगा या फिर खत्म हो गया होगा। जाके देखेंगे क्या क्या हो रहा है वहाँ पे। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं। और दोस्तों, दिल्ली पहुंचते ही हम लोग सादरा में भैया के घर पहुंच चुके हैं और यहां चारों ओर सभी लोग शादी के माहौल में रंगे हुए हैं। हल्दी का फंक्शन चल रहा है, तो आइए हम भी शामिल हो जाते हैं। शादी में हल्दी लगाने का नियम तो हर जगह सेम है, पर हमारे वहाँ से यहाँ दिल्ली में तरीका कुछ थोड़ा सा अलग है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से हर कटोरे से कुछ ना कुछ लेकर थोड़ा थोड़ा कर दुल्हन को हल्दी लगाई जा रही है। तरीका थोड़ा अलग है। अब ये चाचा जी हैं, इनके ये चाचा जी अभी हल्दी लगा रहे हैं। सब कुछ हम लोगों के जैसा ही है, हम लोगों में भी वहाँ परिवार के हर सदस्य हल्दी लगाया करता है, तो नियम सारे एक ही हैं, बस तरीका थोड़ा अलग सा है। हाँ, अभी किस किस के अच्छे से लगना चाहिए साहब, सभी जगह में। मेरे हिस्से का भी भाभी लगा दीजिए, आप लोग लगा दीजिए, हम लोगों का हिस्से का भी लगा दीजिए भाभी, मेरे हिस्से का। अच्छा देखो अंकल जी के, सोनू अंकल जी के हिस्से का लगा रहे हैं यहाँ के। नहीं, हिस्से का मत करो। हंसी खुशी हल्दी का फंक्शन पूरा हो गया और मानो ऐसा लगा कि सभी लोग हमारे पहचान के हैं और हमने भी उनको आसाम का ट्रेडिशन वो हमारे यहाँ के रिवाजों से वाकिफ करवाया। हल्दी का फंक्शन पूरा होते ही सभी लोग छत पर पहुँचे मस्ती करने के लिए। और फिर हम सभी लोगों ने मिलकर दोपहर का खाना एक साथ खाया। भैया और उनके परिवार से हमारी बहुत पुरानी पहचान है, आज करीबन 30 साल बाद हम लोग मिल रहे हैं, लेकिन बड़े भैया और भाभी से हमारी 2017 में भी मुलाकात हुई थी। और आसाम का आदर और सम्मान का प्रतीक जो गामुसा होता है, ये मैं उन सभी लोगों के लिए लेकर गया था और एक एक कर तीनों भैया को मैंने दिया। और ये मतलब मशीन में बुनी हुई नहीं है, ये हाथ की बनी हुई है। हाँ, और ये कहाँ गया? तो दोस्तों, गेंडा यानी राइनोसोरस की कहानी कुछ इस प्रकार है। जब भी दीपेश घूमने के लिए 2017 और 2020 में यहाँ से आसाम गया, तो उसे घुमाने के लिए जब हम लोग काजीरंगा लेके गए, तो राइनोसोरस ने दीपेश की गाड़ी को खूब पीछे से दौड़ाया। तो इसलिए राइनोसोरस की याद में कामुसा में राइनोसोरस वाला डिजाइन इसके लिए स्पेशली लेकर गया और सबके लिए स्पेशली कच्चा सुपारी यानी आसाम का तामूल लेके गया था। आपको अगर स्वाद बुरा लगे तो पहली बार पीक फेंक देना, ठीक है, और चबा के बाकी बस आप साइड में रखो। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, प्लीज प्लीज। अरे गुटे तामूल पान लेइसा सबो के खुआइसे टेस्ट करवाइसे। और फिर छोटे भैया राजेश भी आ पहुंचे। ये आप लोगों के लिए एकदम स्पेशली लेके आया हूं, ये हाथ से बनाया हुआ है, बढ़िया पतवाता लो इधर से। और शाम होते ही मेहंदी वाले भी घर आ गए थे, तो दीदी की यहाँ भी मेहंदी शुरू हो गई है घर पे। पहले हाथ पे लगाई जा रही है, फिर वहाँ पे पैरों पे लगाएंगे। दीदी कैसा लगे?
उसकी ब्लैंक दीदी ब्लैंक कितनी सुंदर से मेहंदी रचाई गई है, देखिए डिजाइन कितनी सुंदर है। नीचे वाले भी होंगे ना, बहुत ही सुंदर तरीके से मेहंदी लगाई जा रही है। यहाँ देखिए कितना सुंदर से चेहरा बनाया गया है, यहाँ तबला भी बनाया गया है, मोर भी है और फाइंड आउट करो और एनिमल भी है। बढ़िया है, एलिफेंट्स आर आल्सो देयर। बढ़िया, कैसा लग रहा है इतना देर? अब मैं थोड़ा थक गई हूँ, आई एम वेरी टायर्ड नाउ। लग रहा है ना कि दोनों हाथों में हथकड़ी लग गई है? ओके नहीं ऐसा है, अभी ऐसा तो नहीं फील हो रहा था, बट नाउ ओके। कुछ हो रहा है ना, इतनी देर से हाथ पड़ी है सामने, हिला भी नहीं पा रहे हो? नहीं सकते हाथ रहे, बस शुरू हो गई ये कहानी तुम्हारी भी। ओके ऐसा है तो मैं रब कर लूंगी अभी। क्यों दीदी, गलत बोला? चिढ़ाने के लिए तो यही सही है ना। चल बढ़िया, और इधर आप भी लगा रहे हैं। भैया ये आप लोग बना रहे हो ना इतना सुंदर से, ये लड़कियों के लिए है सब कुछ हाथ में, लड़कों के लिए कुछ अलग से डिजाइन है क्या? नहीं लड़कों के लिए कुछ है तो बताओ, मैं भी बैठ जाता हूँ। नहीं आपके लिए है, वो उनका मतलब है। सबके लिए नहीं है, केवल मेरे लिए है, केवल आपके लिए स्पेशल। वही मैं सोच रहा हूँ, ये लोग गेंडा बना पाएंगे नहीं पाएंगे, क्योंकि आसाम का सिंबल है, गेंडा फेवरेट है भैया उनका। चलो ठीक है, बढ़िया है, आप लोग करो, तब तक हम लोग भी रेडियो के वहाँ पहुँचते हैं। और मेहंदी के एक दिन बाद सोनू की काफ़ी धूमधाम से शादी हुई, काफ़ी अच्छा लगा दिल्ली में ये शादी अटेंड कर। बहुत ही स्वादिष्ट पकवान वगैरह बने थे, हम लोगों ने काफ़ी मज़ा किया इस शादी में। और हाँ, दूल्हे को भी हम लोगों ने आसाम के गामूसा से नवाजा और उन्हें आदरपूर्वक आसाम आने का न्योता भी दिया। तो दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों में से जो भी आज हमारे इस वीडियो में नए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आगे बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी नए वीडियो को बराबर पा सकें। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत जल्द आप लोगों से दोबारा मिलते हैं एक बहुत ही मज़ेदार नए वीडियो में। धन्यवाद।